ठीक है भाई, मिलते हैं शाम नू, शामी टाइम लग जाना आंदे आंदे, प्रोग्राम फंक्शन। हाँ सत श्री अकाल जी सारयां नू, की हाल चाल है तुहाडे सारयां दा। उम्मीद करदे हां तुसीं सारे जणे बहुत ही वधिया होवोगे। सो थंबनेल देख के वैसे तुहानू पता लग ही गया होगा कि अपना अज दा व्लॉग किस चीज़ के बारे है। सो अज कुछ इदां है कि अज सानू मैनू तो ऑलरेडी इस चीज़ बारे काफ़ी दिनों तो पता सी, क्योंकि ना जो आप वीज़ा अप्लाई करते सब तो पहले PPR आती है। सो PPR बारे मैनू दसता सी कि PPR आ गई है, बट मैं घरे नहीं किसी को दसिया। देखो तुम आप देखो कि इन्नी वड्डी गल 20 दिन कितना आप कंट्रोल च रखी, दोनों जाने नहीं किसी ने नहीं दसिया, घर मम्मी डैडी ने नहीं इस चीज़ बारे पता। सो मैं एक दिन पहला भी गया सी, क्योंकि जितों जो एजेंट से उत्तों आप फाइल लवाई सी ना उन्होंने को गए से, उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा कराने गए से उन्होंने को स्टैंपिंग के लिए। वैसे तो ऑनलाइन भी हो जाता है, अपने तुम घरों भी कर सकते हो, बट थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन होर करने से तो इस करके मैं वो को गए से, उन्होंने पासपोर्ट लिया। सो तकरीबन मेरे ख्याल ना 15 दिन कौन मैं कदों गया, मैं गई सी, मैं इदा क्या मैं वो गई सी, मैं गए सी गया वा, चलो कोई नहीं जो भी है ठीक है, पता तेना सारे। सो मैं वो को मैं इदा कह लगा सी आप गए सी, सो वो मिक्स हो गया है शायद, ये भी गई सी नाल, आप दोनों जने गए सी, पासपोर्ट जमा कराया सी। सो 15 दिन बाद रिसीव हो गया, 3-4 दिन तो उन्होंने को पाया। सो अज मैं फ्री से, मैं चलो अज चलते आप घर ये दस के आए कि अब आप चलने विह के, उन्होंने ये नहीं पता मैं मेरे फ्रेंड है वो इंगेजमेंट पार्टी है, आप उ चले हाँ ये चली तो आप जाके शाम तक वापस आवेंगे। सो आप हम उ चले हैं, उ जाके आप करा नहीं तो उ जाके की गलबात करनी तुम दिखा देंगे कि आप कितों अपलाई किया, क्योंकि मेरा केस थोड़ा जहा इदा, क्योंकि जो स्टडी ज्यादा पुरानी हो जाए ना उदो थोड़ा जहा हो जाता डिफिकल्ट है ना, कई कहते हैं कि मुश्किल है, बैंड कट है, ये वो करके उदे करके बैकलॉग बहुत ज्यादा सी, तो वो भी रिस्क सी है ना, थोड़ा जहा रिस्क सी, पर डरते लगता ही है। बाकी ए प्लान इकोदम बनिया सी प्लान कि आप आइलेट्स करके ते अपना तैयारी करते, क्योंकि मैं ना चल इत वधिया रहा सी, चलो वह गल्ला फिर बाद च करांगे। इनू मैं रेडी किया, मैं सवेरे इनू कहा कि आप अज जाना, क्योंकि मेरा सवेरे कैंसल हो गया। सो अज आप निकल पे हैं, अपना सफर कोई तकरीबन 100 किलोमीटर का है, क्योंकि जेडे साडे हैगे ने एडवाइजर एजेंट जेडे हैगे ने उन्हां दा ऑफिस हैगा आ मूके दे विच, अपने नोन दे विच ही सी, वधिया एजेंट बहुत वधिया हैगे, क्योंकि कई बार आप फाइल आवे किसी दी उहदे गल्लां बातां जाके फसा लैने। सो मैनू बहुत वधिया लगा, सो आप लाई तो बहुत ही जल्दी ते वधिया तरीके दे नाल सानू इहो जे शहर दे विच जिथे लोकी कह रहे थे कि वीजा भी नहीं आंदा उत्थे अपना वीजा आया। बाकी तुहानू आपां शाम एंड ते दसांगे आपां जाणा किथे है, तुसीं उहनां चिर गैस करो किहड़ी कंट्री जाणा होएगा, आस्ट्रेलिया भी हो सकदा है, एक USA भी बड़े जा रहे, UK बहुत जा रहे हैं हुण, UK भी हो सकदा है, UK चल जाइए है ना, ते हो सकदा कैनेडा चल जाइए। बाकी तुसीं एंड तक व्लॉग देखते रहो, नाल नाल बने रहो, ते तुहानू फिर दसांगे घर पहुँच के, जदों मम्मी उहनां नूं दसांगे ना उदों तुहानू नाल दसांगे भी कितने पहुंच गए। बाकी उन्होंने रिएक्शन वेखांगा ना, उन्होंने तो खुश हो जाना है, मम्मी मैंने ये थोड़े दिन पहले ही कह रही थी, डेढ़ महीना हो गया अभी तक तेरा रिजल्ट नहीं आया कोई, कितने तू कुछ लगा दे नहीं रहा, मतलब ये भी डर होंगे ना कि रिफ्यूज ना हो गया हो ना भी ये दस नहीं रहा करे। सो अज थोड़ा जहा सरप्राइज वाला अज मजे वाला काम होगा, शाम तक बने रहो ब्लॉग के नाल, आप हम चलते हैं। बाकी आप चीज लैके आए हाँ, देखो ये दरबार साहब के लागे लैके आए थी, अं आ रहे सू वी बड़ी लगी सारे लिखे अंदर, तो यह चीज़ मैंने ना 2-3 जन ने पूछ भी ली कि भाई कितों लिया है, अं भी लैके आने। बाकी फिर गाने का आनंद लेने, जो गाने चल रहे पुराने गाने बहुत वधिया नज़ारेदार चल रहे। ब्रेक आ गई है तब तक, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तो तुम बने रहे हो नाल नाल, व्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है अज का, क्योंकि जिदा कि तुम्हें पता ही है भी बहुत वड्डी खुशखबरी आई है, लेकिन आई किधर दी तुम वो नहीं दसांगे, तुम एंड से दसांगे, एंड तक बने रहो देखियो। मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, बने रहो साढ़े नाल।
ਲੰਚ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਰਨ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਮਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੌਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਫਿਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਔਫਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਕੀ ਫੀਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਲ ਆਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਮੇਲ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਏਗਾ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰੇ ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹਵਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਏਗੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੋਲ੍ਹਿਓ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਫੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਨਵਲਪ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ
ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਤੇਰੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਆਵੇ। ਇਹਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? बहुत बहुत मुबारक कि वधिया रहा सरपाई साडा। अहीं असल जिथे गए सी अज विआह नहीं गए हां। अहीं फिर सरप्राइज देना ही ना तुहानू। फिर आ मिठाई नाल मूंह मिठा हो गया हुण। असीं दे डीकदे आ व्याह इन्ना चिर पैसे बंद हो गया। बार बार रोटी खवाती है। बार ही रोटी खवा लिया। चुप करके पासपोर्ट जमा करके आ ਆਉਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗਣੇ ਕੀ ਚਮਕਣ ਜੇ ਡਿਆ ਉਹ ਸਟicker ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਟicker ਆਉਂਦਾ। ਵਾਓ ਚਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਖਾ ਲਈਏ ਭਰਾ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਅੱਜ। ਆਹੋ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਖਾਓ ਘੱਟ ਖਾਓ ਹੈਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। सारे खाओ। सारे आओ। सारे ने खा ली। सारे खाओ। सब बंदी ना वड़ो। सारे खा लो। आ मैंने तो छोटा बहुत टेस्टी है। हां है भी बढ़िया। अपने खाने वाली चीज है ना। उथे वीडियो शूट कर ला आपे ते सानो जदो मिल गया ना उथे सानो जदो उथे आके मिल गया पासपोर्ट देता उन्होंने। फिर उन्होंने फोटो फोटो वीडियो खींच रहे सानो लेके जल्दी जल्दी घरे जाइए हुण। बड़ी पजती है। बड़े टाइम का अपलाई किया। दो महीने बाद टाइम लग गया। बड़ा डेढ़ दो महीने लग गए। दो महीने बाद अप्रूव हो गया। बट फाइनली आ गया। पर आपा भी रुजे है ना ब्याह ता करके इतना ज्यादा नहीं फील हुआ। नहीं तो बहुत इंतजार करना है ना। सो आ गया। ए सी साडी आज दी वीडियो बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया होया। सारे बहुत खुश है। हुण सो ए सी साडी वीडियो आज दी। बाकी हौली हौली बनावांगे सारीयां किदा किदा फाइल लाई की कीता ओही सारा बनावांगे। तो नालो नाल दसी जावांगे। उदों तक लई सारयां नूं गुड बाय। मिठाई बहुत टेस्टी जी मिली अं तो लाए मूँह मिठा करना हों। बेसन वाली वधिया रही।